बेलतरुड़ी इलाके के कालीमाता नगर में स्थित एक झोपड़पट्टी में आज सुबह सिलेंडर फटने से भीषण आग लग गई। आग ने इतना अधिक रौद्र रूप धारण किया कि एक के बाद एक कई झोपड़ियों में रखे सिलेंडरों में विस्फोट होते चले गए और आग ने रौद्र रूप धारण कर लिया। आग बुझाने के लिए दमकल विभाग के एक के बाद एक फायर टेंडर घटनास्थल पर पहुंचे और बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार आज सुबह बेलतरुड़ी थाने के पीछे वन विभाग की जगह पर बसी झोपड़पट्टी के एक मकान में सिलेंडर ने आग पकड़ ली। देखते ही देखते वह झोपड़ी स्वाह हो गई और इसके कारण आग आसपास की झोपड़ियों तक फैल गई और उनमें रखे सिलेंडर भी फटने शुरू हो गए। सूत्रों ने बताया कि एक के बाद एक 16 सिलेंडरों में विस्फोट हो गया और आग ने रौद्र रूप धारण कर लिया। इसकी जानकारी मिलते ही पहले दमकल विभाग के दो वाहन घटनास्थल पर पहुंचे, लेकिन आग की भयावहता को देखकर बाद में 7 अन्य स्थानों से फायर टेंडर बुलाए गए। इस झोपड़ी में करीब 100 मकान बने होने की जानकारी मिली है। आग की भयावहता को देखकर वहां रहने वालों में अफरा तफरी मच गई और हर कोई अपना जरूरी सामान बटोर कर सुरक्षित स्थान पर भागने लगा। समाचार लिखे जाने तक कोई जीवित हानि होने की जानकारी नहीं मिली है, लेकिन नुकसान लाखों का हुआ है। अपुष्ट सूत्रों के अनुसार इस आग में 20 के करीब गैस सिलेंडरों में विस्फोट हुआ। की बा महाकाली नगर झोपडपट्टीला आग लागलेली आहे। जवळपास मला जेव्हा कोणाजवळ 5 सिलेंडरचा स्फोट झालेला होता, त्यानंतर मी तातडीने पुढे पोलीस स्टेशन बेलतरुडीला फोन केला आणि फायर ब्रिगेड तर ते पाठवलं। अजून आगीचं कारण ते अद्याप माहिती पडलेलं नाही आहे। आतापर्यंत जवळपास 20 वर सिलेंडर फुटलेले आहे। काही सिलेंडर आम्ही स्वतः नागरिकांनी आम्ही जाऊन रेस्क्यू केलेले आहेत। कॅमेरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज और राजकुमार मोहड़ के साथ अभिषेक पानसी, BCN News नागपूर।